70 से 80 दिनों से हम लोगों का कोरोना के से संबंधित हर विषयों पे काम चालू है। वो खाना होने दो, सैनिटाइजेशन होने दो, आखिरी में स्कूल कब शुरू होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। सारी स्कूलों ने अपनी ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है। ऐसे में ये रोड के बच्चे जो रहते हैं झोपड़े झुग्गियों में, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे ये उनको भी नहीं पता है। तो साइन फ्रेंड सर्कल की ये एक मुहिम है कि बच्चों को शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने ये खास आज ये प्रक्रिया शुरू की कि पिछले 70 से 80 दिनों में कोरोना का न्यूज़ देखते देखते, कोरोना के बारे में सुनते सुनते बच्चे लगभग भयभीत हो चुके और बोर भी हो चुके। तो साइन फ्रेंड सर्कल की ये मुहिम थी कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है, ये डोरेमोन, मिक्की माउस, खरगोश, एलिफेंट जैसे चीज़ों जो हमारे सदस्य बनकर इनके बीच आए और इनके पढ़ने लिखने वाली चीज़ें उनको बांटा है। तो मुंबई में आप और भी जो स्लम्स एरिया से वहाँ पे भी जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग टीम साइन फ्रेंड सर्कल केवल साइन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ना कि एंटोफिल कोलीवाड़ा तक सीमित रहेंगे। जहाँ भी ऐसे बच्चे रोड पे, फुटपाथ पे या झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे, लॉकडाउन होने बंद होने तक, स्कूल चालू होने तक साइन फ्रेंड सर्कल की ये प्रक्रिया शुरू रहेगी।